नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बीबी नेटवर्क में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है मुंबई की राजनीतिक क्षेत्र में और मुंबई की फिल्मी दुनिया में। हैप्पी दिवाली सबको, सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली। दिव्यान की तरफ से, विक्रम चंद्र की तरफ से, अच्छे से दिवाली मनाइए, खूब मिठाई बांटिए, खूब प्यार बांटिए। जैसे मैं शूट चाहता था उसी हिसाब से शूट किया मैंने भी। एक दो आर्टिस्ट है थोड़े से, थोड़ा सा मुझे चेंज करने पड़े किसी वजह से, थोड़े से चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर फाइव में शूट कर रहा हूँ और ऊपर वाले चाह तो जल्दी रिलीज पे आ जाएगी फिल्म। और एक नया प्रोडक्शन हाउस खोलने का भी आपका विजन है, जिसमें कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को लॉन्च करने वाले हैं, उस पर इसमें क्या प्रोजेक्ट रहेगा और कौन फैमिली मेंबर्स रहेंगे जिनको इन्वॉल्व करेंगे, इसमें किस कैपेसिटी? यार उसमें मैडम कर रही हैं हमारी, अपने बुजुर्ग को चाहती हैं प्रोड्यूसर खड़ा करना, वो तो वो सपोर्ट कर रही हैं और वो उन सब का डिसाइड है। बट हम तो डायरेक्टर हैं, काम देंगे, हम वहाँ करेंगे, यहाँ देंगे, यहाँ करेंगे। बेहतर है यार ना कमेंट किया जाए, ना मैं वैसे ही कंट्रोवर्सी पहले भागता हूँ, ना फंसाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आचार्य भी वो अच्छा दोस्त हैं अपने, नाना जी की तरफ भी अच्छा, और ज़्यादा बेटर है कि नो कमेंट्स। म्यूजिक मैंने कुछ काफ़ी गाने पाकिस्तान से किए हैं, मैंने काफ़ी गाने पाकिस्तान से किए हैं उसके, मेरे गाने मतलब रेशमा जी की किसी ने भी किया है, उनका गाना रेशमा जी का दिया है, राज जी का भी मैंने गाना लिया हुआ है अपनी। म्यूजिक मेरा मतलब क्लास कहते हैं, नया रूहानी कर रहा था, तो नया चीज़ नहीं जाता कि रेंट जाँच करके हम छोड़ दें, और रूहानी चीज़ करने की मूड में तो मैंने वही किया गया। ठीक है ना, आमिर की बात करें तो सूत्र से जानकारी मिली है कि आमिर भी शूट होने जा रहे फिल्म, तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल जिसको कहा जाए, सुनने में आ रहा है, सूत्रों से जानकारी मिली। क्या कुछ रोशनी डालना चाहेंगे, वो क्या है वो फिल्म, सब्जेक्ट किस प्रकार की है, और उसमें स्टार कास्ट की अगर बात करें तो कौन कौन से स्टार कास्ट होंगे आमिर की अगर बात करें तो? जी मैंने टाइटली बड़ा हट के लिया है आमिर। आमिर मतलब आप लोग सब जानते हैं आमिर का मतलब एक दुआ जो किया तो पूरी हो जाए। 1984 पे आप लोग सबको पता है 1984 में क्या हुआ, जो आज भी मतलब उस केस को आज भी बंद है, उस पर आज भी मतलब कुछ रिजल्ट नहीं आया, कोई कुछ हुआ था क्या नहीं, कोई आज भी उस पर बात करना चाहता नहीं और वाकई होगी भी नहीं। मैं मतलब एक ऐसी फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसका एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, छोटी सी बच्ची की कहानी है, 7 से 8 साल की बच्ची है, और दंगों में उसके क्या हुआ एग्जैक्टली, उस दंगों में बच्चों क्या हाल हुआ, बच्चे कहाँ गए, इसके बच्चों के माँ बाप मर गए या बच्चे अनाथ हुए, उन बच्चों क्या हुआ 84 में, उन बच्चों किसने गोद लिया, किसके साथ क्या हुआ, बच्चे कहाँ गए, ये अपने किसी को भी नहीं पता। काइंड ऑफ उसके ऊपर सारी स्टोरी है, एक बच्ची की कहानी है। चौरासी की अगर दंगों की बात करें तो आज भी उस पर चर्चा होती है, लोग केवल राजनीति करते हैं। अभी हाल ही में किसी ने कमेंट किया था कि जब बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं तो आवाजें होती हैं, तो इस प्रकार के भी डायलॉग या इस प्रकार की सीनरी या 84 का पूरा दंगा फिल्माया जाएगा इस फिल्म में या किस प्रकार? नहीं, ऑफकोर्स पूरा दंगा आजमाया जाएगा। और ये वर्ड किसने बोले थे अपनी इंडस्ट्री में, बड़ा नाम है उनका जिन्होंने ये वर्ड बोले थे कि अगर बड़ा दंग खेलता है तो जोड़ों से कुछ तो होता है। मैं चाहूँगा नाम नहीं लेना चाहूँगा, रिस्पेक्टेड नेम है उनका, और बिल्कुल दंगे पूरे दिखाए जाएंगे, ट्रक कैसे चले थे, सरदार कैसे चले थे, ओरिजिनल टी शूट करने जा रहा हूँ, जाट आदमी हूँ, सरदार आदमी हूँ, ओरिजिनल टी करूँगा, ओरिजिनल टी दिखाऊँगा। तो उसमें एक ऐसी भी बातें चल के आ रही थी कि उन दिनों उस दौरान जब 84 का दंगा हो रहा था तो उसमें कुछ सिख लोगों ने अपने दाढ़ी भी कटा दिए थे, बाल भी कटा दिए थे, इस प्रकार का भी सीन अगर फिल्माया जाए? बिल्कुल फरमाया जाएगा। अब जिसके छोटे बच्चे साथ में हैं यार, एक सरदार है, दाढ़ी रखी, पग रखी है, गुरु दारा हुआ उसने, पूरा कुर्बान पहनी हुई है। अब इसके जिसके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सिखी यहाँ होती है दिल में, मैं खुद सरदार हूँ। अब
50 लोग सामने मारने खड़े, और उसको पता है कि यार अगर मेरी बाल की वजह से मेरे बच्चे और मैं मर जाऊंगा, तो उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए बाल कटाई, दाढ़ी कटाई है। ऑप्शनलिटी है, सच्चाई है ये कि उस इंसान ने सिर्फ अपने बच्चों के लिए कुर्बानी, सरदार बने ही कुर्बानी के लिए यार, सरदार ने स्टार्टिंग से आज तक कुर्बानी दी किया गया, 2% है हिंदुस्तान में, आज स्टार्टिंग से आज तक कुर्बानी दी है, तो उसके लिए ही उन आदमी एक ने नहीं, कईयों ने अपनी फैमिली बचाने के लिए किया। और इसमें कई लोग ऐसे थे भाई जो हिंदू होते भी अपने दोस्तों के लिए मरे हैं, उनके परिवार बचाने के लिए मरे हैं, उनकी इज्जतें बचाई हैं उन्होंने, और मुस्लिम पूरे खड़े हुए इस चीज में 84 में। तो इस सब्जेक्ट पे 84 की अगर बात करें तो काफी फिल्में बन चुकी हैं, सब दिखा चुके हैं, तो क्या ऐसा कुछ बाकी रह गया जो आप दिखाना चाहते हैं आमीन के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहते? सर सबने ये दिखाया, दर्द दिखाया, सबने फील दिखाई है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ जो अभी तक सोचा देखा भी नहीं। आज एक छोटा सा बच्चा अगर आज पूछता है आपसे कि मेरे माँ बाप नहीं रहे तो मुझे बताइए कि मैं किस सरदार के पास जाऊँ, हमारा कसूर क्या था, हमारा कसूर क्या था, हम क्यों अनाथ हुए? ना तो बच्चे को, बच्चे जब पैदा होता हम बताते हैं कि सरदार है मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उससे बच्चा पैदा होते उसको तो नहीं पता ना वो किस कौम से रखता है, बच्चा कभी कौमों से नहीं मालूम होता, बच्चा बच्चा होता है। बच्चा आपसे सवाल पूछे तो आप उसका जवाब दे पाओगे? कोई मीडिया जवाब दे पाएगी कि मैं आज अनाथ हुआ हूँ तो मुझे बताओ मैं किसके घर जाऊँ? मुझे बताइए क्या आपने कोई नेता या कोई कोई अभिनेता या कोई जवाब दे पाएगा बच्चे को? ये रियलिटी कहानी है 9 साल के बच्चे की जिसने फेस किया है पूरा, और जल्दी भी दिखा जाऊँ। स्टारकास्ट की अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण होगा जिसने मतलब दर्दनाक मुद्दे को देखा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें मेरे आपने डिसाइड किया है या किसको लेके आपने कहानी लिखी है क्या कुछ? ऑलमोस्ट स्टोरी मेरी कंप्लीट है, थोड़ा सा बस काम चला स्क्रिप्ट के ऊपर, और पुराने चार में 10 दिन के बाद पोस्टर लॉन्च करने जा रहा हूँ इसका, आमीन का, और फैब के पहले पहले हम लोग शूटिंग चालू कर लेंगे। हम लोग कास्टिंग है, एक नई लड़की की तलाश है बच्ची की, हमें ऑलमोस्ट नहीं, और बाकी सब बड़ी कास्टिंग से जो हम लोग कर चुके हैं सबसे मेरी बात हो चुकी है। म्यूज़िक मेरा दो गाने जयदेव जी कर रहे हैं इस फिल्म का, साजिद कर रहा है इसका एक गाना मेरा, और कवाली है मेरी पाकिस्तान से, कॉन्ट्रोवर्सी फिर मेरे साथ हुई गरीब के साथ, ये पाकिस्तान से ही क्यों, तो ऐसा कि आर्टिस्ट के लिए तो भाई ना तो पाकिस्तान है, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, इस मुताबिक मैं एक कवाली पाकिस्तान से ले जा रही हूँ, और फिल्म को मैं कश्मीर में भी शूट कर रहा हूँ, जम्मू से स्टार्ट हो रही है मेरी फिल्म, जम्मू और कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली के निज़ामुद्दीन तक की शूट है मेरा सारा, और इसकी शूटिंग का प्लान आउट भी, शूटिंग का डेज भी मेरा 60 to 70 days शूटिंग के हैं, मोस्टली फिल्में 40 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 70 से 80 दिन का शूट जाएगा इसमें। जम्मू या कश्मीर शूट के लिए जा रहा है या दिल्ली जा रहा है तो उसके पीछे भी कोई ऑर्जिनलिटी जहाँ जहाँ गुरुद्वारा जले हैं, जो जो गुरुद्वारा जलाया गया जहाँ जहाँ स्टार्ट हुआ है कश्मीर में भी इस तरीके जी बिल्कुल, जम्मू में हुआ, मैं फिल्म जम्मू से स्टार्ट कर रहा हूँ, जम्मू में प्रॉपरली गुरुद्वारा जलाया गया था जो आज भी है, कुछ चीज़ें मैं मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा इसीलिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है फिल्म को रोका भी जाएगा कि आगे रोकने की कोशिश की जाएगी फिल्म को, पर डेफिनेटली मैं नाम भी ले लेता हूँ क्योंकि कांग्रेस को दुख होगा, उसके पेट में दर्द होगा क्योंकि 84 के दंगे को जो भी छेड़ता है जी जी उनके पेट में दुख होता है, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहता, मैं किसी के सपोर्ट में भी नहीं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी हो यार सर, कोई भी थी, यही समय क्यों, अभी 2019 का चुनाव आने वाला है और इसी में आप 84 के दंगे को छेड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही बेनिफिट होगा, कांग्रेस को लॉस होगा। नहीं, अगर कांग्रेस खड़ी होती है, अगर कांग्रेस उस फिल्म को सपोर्ट, कांग्रेस को भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, सिर्फ सिंपल सी एक बात ही तो कहनी है उनको, इसके इस केस में हम जो मुस्लिम को सजा देंगे, इतनी बात तो कहनी है उनको, कांग्रेस ने कहना बोलना को, अच्छा, और करना क्या आपको, अगर इतना बोल देते 2019 में आ जाएंगे ऑफकोर्स उनको। चलिए
विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।